हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपको कल्चर सिस्टम के बारे में बताया। तो मैंने ये भी बताया था कि कल्चर सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर बहुत अटैक्स हुए वेस्टर्न कंट्रीज में भी, इवन नीदरलैंड में भी, इंडोनेशिया में भी, कि ये सिस्टम इंडोनेशिया के लोगों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए ठीक नहीं है। और उस पर अगर सबसे बड़ा अटैक था कि डच का ही एक राइटर थे मुलतातुली, उन्होंने मैक्स हेवलार नाम की एक बुक लिखी जिसमें इसको, इस सिस्टम को कंडम किया। और वहीं के एक लिबरल डेमोक्रेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे नीदरलैंड के, डेवेंटर, इन्होंने भी अटैक किया कि ये सिस्टम इज ड्रेनिंग वेल्थ फ्रॉम इंडोनेशिया एंड वी हैव टू रीपे द डेट ऑफ ऑनर टू इंडोनेशिया इन एनी ऑफ द एनी वेज। सो द गवर्नमेंट, सरकार नीदरलैंड 1860s के बाद में, 1910 के करीब, एक पॉलिसी लाई, एथिकल पॉलिसी जिसको कहते हैं। इस एथिकल पॉलिसी में ये इंडोनेशिया में उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके सांस्कृतिक विकास के लिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में एक कदम उठाने की बात करी गई। उन्होंने प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल के एजुकेशन स्कूल्स खोले और स्वास्थ्य में भी उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले। उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे लिबरल पॉलिसी में अलग अलग कॉरपोरेट्स और ट्रेडिंग कंपनीज को बुलाया था, उस इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग कंपनीज ने बहुत इंडोनेशिया के लोगों के लिए कोई कोई जादू का काम नहीं कर पाई वो, और कोई बहुत आर्थिक विकास वहां पर नहीं कर पाई थी। तो नीदरलैंड की सरकार ने ये सोचा कि एक नए तरीके का, हम लोग एग्रीकल्चर में उनको एक तकनीक की सहायता से एक टेक्निकल एडवाइस दें, एक नई तकनीक वहाँ के किसानों को की ट्रेनिंग दें, जिससे उनकी एग्रीकल्चर का विकास हो, उत्पादन बढ़े और जिससे उन वहाँ का आर्थिक विकास भी हो। तो इस तरीके का संपूर्ण विकास इंडोनेशिया में लाने के लिए जो भी कदम उठाए गए और कल्चर सिस्टम को जो खत्म किया गया, उसको हम लोग एथिकल पॉलिसी के नाम से जानते हैं।